Hello everyone, welcome to the coding tuition. In this video, we will see another Python project which is image slicer in Python. This project is also for beginners. इसके पहले वीडियो में हमने देखा था how to create acronyms in Python. वो भी काफ़ी simple project था and ये भी बहुत ही simple होने वाला है. So let's get started. So सबसे पहले हम समझ लेंगे exactly हमें करना क्या है, then हम logic सीखेंगे and then we will write the code. ठीक है, directly code पे jump नहीं करेंगे. So let's see कि हमें exactly करना क्या है. सो हमें एक इनपुट लेना है विच विल बी एन ईमेल आईडी. ठीक है, एंड उस ईमेल आईडी से हमें दो चीज़ एक्सट्रैक्ट करना है. वन इज द यूज़र नेम, दैट इज़ यर द यूज़र नेम इज़ एबीसी, एंड सेकंड इज़ द डोमेन कि वो ईमेल कौन से वेबसाइट का है. सो यहाँ पे जो abc@gmail.com है, ये abc@gmail.com का है. सो gmail.com विल बी आर डोमेन नेम. ठीक है, सो ये दो चीज़ हमें एक्सट्रैक्ट करना है. सो अब समझते हैं हम ये एक्सट्रैक्ट करेंगे कैसे. सो ये एक स्ट्रिंग होगा, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो ये एक स्ट्रिंग होगा. ठीक है, ये लॉजिक समझने के लिए हम एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, जो एट द रेट सिंबल है ये वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. एट द रेट सिंबल के लेफ्ट साइड में जो भी होगा विल बी अ यूज़र नेम, एंड एट द रेट सिंबल के राइट साइड में जो भी होगा विल बी अ डोमेन नेम. ठीक है, सो हम ये एट द रेट सिंबल का इंडेक्स से हम निकाल देंगे अपने यूज़र नेम एंड डोमेन नेम. वो देखते हैं कैसे. सो ये हमारा स्ट्रिंग है abc@gmail.com. ये अगर हम इंडेक्स वाइज देखें, जीरोथ इंडेक्स में ए होगा, फर्स्ट इंडेक्स में बी होगा, सिमिलरली ट्वेल्थ इंडेक्स पे एम होगा विच इज़ द लास्ट वर्ड, लास्ट लेटर. ठीक है, सो हमें क्या करना है, हमें स्लाइसिंग का यूज़ करना है. अगर आपको स्लाइसिंग पाइथन में क्या होता है वो नहीं क्लियर है, तो मैंने इसके पहले स्लाइसिंग पे वीडियो बनाया है, इट्स लिंक इज आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ठीक है, सो हम स्लाइसिंग से क्या करेंगे, ये जो इंडेक्स अभी यहाँ पे एट द रेट का इंडेक्स क्या है, थ्री है, राइट. सो थ्री के पहले जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, जितने भी लेटर्स होंगे विल बी आर यूज़र नेम. सो हम स्लाइसिंग में क्या करेंगे, सपोज ईमेल विल बी आर स्ट्रिंग. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, एंड कहाँ तक जाना है हमें, हमें यहाँ तक जाना है विच इज़ द इंडेक्स ऑफ एट द रेट सिंबल. तो हम यहाँ पे इंडेक्स क्या है एट द रेट सिंबल का, थ्री. सो हमारा रिजल्ट क्या होगा, विल बी ए बी सी. अगर आपको स्लाइसिंग का ज़रा भी आइडिया हो तो जो उसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, एक स्टार्ट इंडेक्स एंड द एंड इंडेक्स. सो स्टार्ट इंडेक्स वो इंडेक्स होता है जहाँ से हम अपना पार्सिंग या फिर जहाँ से हम अपना पार्सिंग स्टार्ट करते हैं, एंड एंड इंडेक्स जहाँ पे हमें स्टॉप करना है. एंड प्लीज़ नोट, जो एंड इंडेक्स होता है दैट इज़ नेवर इंक्लूडेड इन द रिजल्ट. ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे एंड इंडेक्स थ्री डाला विच इज़ द इंडेक्स ऑफ एट द रेट, वो हमारे रिजल्ट पे इंक्लूड नहीं हुआ है, उससे एक कम जो भी इंडेक्स रहता है दैट विल बी इंक्लूडेड. अगर हम यहाँ पे फोर डाल देंगे तो हमारा इंडेक्स थ्री तक ही जाने वाला है रिजल्ट. सो विद द हेल्प ऑफ दिस हमें यूज़र नेम तो मिल गया. सिमिलरली हम क्या करेंगे, ईमेल के लिए एक और स्लाइसिंग करेंगे फॉर डोमेन नेम. डोमेन नेम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो एट द रेट इंडेक्स होगा उससे एक आगे से. सो यहाँ पे फोर विल बी आर स्टार्टिंग, एंड हमें कहाँ तक जाना है, एंड तक जाना है विच इज़ 12. अभी 12 हमें इंक्लूड करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13. ये 13 क्या है, लेंथ ऑफ द ईमेल आईडी. ठीक है, आई होप दिस मच इज़ क्लियर. एक और बार रिवाइज करते हैं, एट द रेट सिम्बॉल के लेफ्ट में जो भी होगा विल बी आर यूज़र नेम, एंड एट द रेट सिम्बॉल के राइट में जो भी होगा विल बी आर डोमेन नेम, करेक्ट. अभी ये यूज़र नेम एंड डोमेन नेम एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम स्लाइसिंग यूज़ कर रहे हैं, इट्स लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. सो स्लाइसिंग में क्या करेंगे, स्टार्टिंग से जाएंगे विच विल बी द जीरोथ इंडेक्स, कहाँ तक जाएंगे, इंडेक्स ऑफ एट द रेट तक, उसमें जो भी रिजल्ट होगा विल बी आर यूज़र नेम, एंड एट द रेट सिम्बल के नेक्स्ट एलिमेंट विच इज़ प्लस वन ऑफ द इंडेक्स ऑफ एट द रेट सिम्बल विच इज़ फोर ओवर ईयर, वहाँ से हम एंड तक जाएंगे टू गेट अ डोमेन नेम. ठीक है, आई होप दिस मच इज़ क्लियर. नाउ लेट्स राइट द कोड फॉर इट, तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझेगा. ठीक है, सो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं ईमेल आईडी, उसमें हम इनपुट लेंगे यूजिंग द इनपुट मेथड, एंड एक मैसेज डाल देते हैं एंटर द ईमेल आईडी. ठीक है, यहाँ पे हमारा इनपुट आ जाएगा. अब क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाते हैं यूज़र नेम, करेक्ट,
यूज़र नेम में हम क्या करेंगे, स्लाइसिंग यूज़ करेंगे। स्लाइसिंग कहाँ से करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे फॉर यूज़र नेम, राइट, बिकॉज फर्स्ट कैरेक्टर से ही हमारा यूज़र नेम स्टार्ट हो जाएगा। एंड कहाँ पे करेंगे, एंड करेंगे इंडेक्स ऑफ एट द रेट सिंबल। सो इसके लिए ऑलरेडी सिंस ईमेल इज़ अ स्ट्रिंग, सो हमें एक इंडेक्स फंक्शन ऑलरेडी पाइथन में अवेलेबल होता है। वी विल यूज़ दैट टू गेट द इंडेक्स ऑफ द ईमेल आईडी, बिकॉज यहाँ पे एट द रेट का इंडेक्स 3 है। ये कंपल्शन, ये ज़रूरी नहीं है कि हर ईमेल आईडी पे एट द रेट का इंडेक्स विल बी 3। सो वी विल जनरेट डायनेमिकली, जो भी हम स्ट्रिंग एंटर करेंगे वी विल गेट द इंडेक्स ऑफ एट द रेट अकॉर्डिंगली। तो हम क्या करेंगे, ईमेल आईडी डॉट इंडेक्स मेथड से किसका इंडेक्स चाहिए हमें, हमें चाहिए एट द रेट का इंडेक्स। ठीक है, आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अब सबसे पहले हम प्रिंट कर देते हैं यूज़र नेम को, सो आपको समझेगा वेदर वी आर डूइंग इट करेक्ट और नॉट। लेट्स रन दिस। ओके, सो हम ईमेल आईडी डालते हैं abcd@gmail.com। सो यहाँ पे हमारा एग्जांपल से हमने थोड़ा अलग किया है, यहाँ पे एबीसीडी ले लिया है। सो देखते हैं यूज़र नेम क्या आता है। सो जो प्रिंट हो गया एबीसीडी विच इज़ आर यूज़र नेम, तो ये हम इंडेक्स ऑटोमेटिकली यूजिंग द इंडेक्स फंक्शन हमने निकाल दिया है। ठीक है, आई होप दिस मच इज़ क्लियर। सिमिलरली हम डोमेन नेम निकाल देंगे। सबसे पहले हम ये प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट करते हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन आर आउटपुट, करेक्ट। हम अभी निकालते हैं डोमेन, एक वेरिएबल बनाया, उसमें भी स्लाइसिंग यूज़ करेंगे। स्लाइसिंग स्टार्ट अब कहाँ से होगा, ईमेल आईडी इंडेक्स ऑफ, किसका इंडेक्स चाहिए हमें, एट द रेट का चाहिए, लेकिन एट द रेट से स्टार्ट नहीं करना है, प्लस वन, क्योंकि उसके नेक्स्ट इंडेक्स से हमारा डोमेन नेम स्टार्ट होगा। और एंड कहाँ पे होगा, लेंथ ऑफ ईमेल आईडी तक, राइट। एंड वन थिंग टू नोट, अगर हम एकदम लास्ट तक जा रहे हैं तो ये एंड इंडेक्स डालने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जैसे कि हम यहाँ से एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़ीरो डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। आपको अगर स्लाइसिंग का क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है सो प्लीज़ आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है और या फिर आई बटन में है। सो यहाँ पे हमारा डोमेन नेम भी रेडी है। नाउ लेट्स प्रिंट द रिज़ल्ट। हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, इसमें लिखते हैं यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम। सिमिलरली सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं डोमेन नेम इक्वल टू डोमेन। आई होप आपको कोड समझ रहा होगा, राइट। लेट्स रन दिस। अब हम डालते हैं लेट्स राइट एनी नेम, अमित एट द रेट कोडिंग ट्यू .com, राइट। सो देखो यूज़र नेम इज़ अमित, डोमेन नेम इज़ कोडिंग ट्यूशंस .com। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। यही था, बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट से आपका एटलीस्ट स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, हो गए होंगे। एंड अगर आपको स्लाइसिंग नहीं पता है तो आप स्लाइसिंग सीख लो। ऐसे ही प्रोजेक्ट्स कर करके ही आप पाइथन में एक्सपर्ट बन सकते हो। नॉट ओनली इन पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उस पर प्रोजेक्ट्स करके ही हम सीख सकते हैं। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अप्रैल एंड तक मुझे 50 सब्सक्राइबर्स रीच करना है, प्लीज़ हेल्प मी डू दैट। अगर आपको कोई भी सजेशंस हो देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड ये कोड का लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आपको अगर कोड देखना हो तो आप रेफ़र कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से करो तो ज़्यादा आप सीखोगे। ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। बाय।